Hello students, here I am with lecture 5 on fractions. This time we will discuss like fractions and unlike fractions. Last time हमने equivalent और simple fractions को discuss किया था. इस दफा हम सीखेंगे कि like और unlike fractions क्या होते हैं. तो उससे पहले जो है हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि fractions होते क्या. मैंने आपको बताया भी है और मैं repeat कर रहा हूँ. Fraction होती क्या है? कोई भी ऐसी quantity, कोई भी ऐसा number जो p by q के form में हो, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन. पी बाई टू फॉर एग्जाम्पल इसमें आएगा 1/2, 3/2, 4/8, 7/9 इस टाइप की जो नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं फ्रैक्शंस. ठीक है, फ्रैक्शंस क्या है? ये एक होल के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, होल के एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर. मैंने आपको होल और पार्ट का भी जो है वो लास्ट टाइम क्लियर कर दिया था. तो अब लाइक फ्रैक्शंस क्या है? मैंने आपको कहा कि इस फॉर्म में जो भी हो वो फ्रैक्शन है. अब फॉर एग्जांपल 1/2 है, जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर. ठीक है, यानी जो हमारा फ्रैक्शन होता है ये दो नंबर्स का बना होता है. जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं. ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस को समझने के लिए, जो हमारी लाइक फ्रैक्शंस होती है, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर किसको कहते हैं और डिनोमिनेटर किसको कहते हैं. लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है? इनमें जो होता है इनमें डिनोमिनेटर सेम होता है, आर सेम. वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो उनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस. फॉर एग्जाम्पल 2/3, 4/3, 6/3, 9/3, 8/3. यहाँ पे आप देखोगे कि हर फ्रैक्शन में जो है डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, यानी 3 है. तो जिन फ्रैक्शंस का भी डिनोमिनेटर सेम होगा उनको हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शंस. ठीक है, जिन फ्रैक्शंस का भी डिनोमिनेटर सेम होगा उनको हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शंस. और कोई भी एग्जांपल हम दे सकते हैं, लाइक 2/4, 3/4, 5/4, 6/4, 7/4, ये लाइक फ्रैक्शन. ठीक है, अब जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं. ठीक है, अब जो अनलाइक फ्रैक्शंस है, अनलाइक फ्रैक्शंस वो बिल्कुल इसका अपोज्ड है, अपोज्ड ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. बहुत इजी है, जो हमारा लाइक फ्रैक्शंस है उनमें डिनोमिनेटर सेम होता है. अब जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है वो हो गए अनलाइक फ्रैक्शंस. ठीक है, आप अब खुद भी एग्जांपल दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. फॉर एग्जांपल 6/3, 7/2, ठीक है, 9/5, 6/7 एट्सेट्रा. इनमें आप देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है. अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है कि यूजुअली ये कहा जाता है कि जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं उनके न्यूमरेटर सेम होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है. न्यूमरेटर सेम भी हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेम हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा. देखिए ये 6/3 है, ये 6/4 है. ठीक है, इनमें न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है. लेकिन जब हम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस की बात करें तो हमें सिर्फ कंसंट्रेट करना है डिनोमिनेटर, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है. डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो दे आर अनलाइक फ्रैक्शन. ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि न्यूमरेटर सेम हो. सेम भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते. अगर सेम है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है. ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं भाई न्यूमरेटर्स का जो है सेम होना ज़रूरी है. ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट गलत है. हाँ सेम हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि हर दफ़ा सेम हो. क्योंकि यहाँ पे जब हमने अनलाइक फ्रैक्शंस की एग्जांपल दी तो देखो यहाँ पे डिफरेंट न्यूमरेटर्स है और डिफरेंट डिनोमिनेटर्स भी है. हाँ न्यूमरेटर सेम हो सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि न्यूमरेटर्स हर दफ़ा सेम हो. तो जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हुए तो अनलाइक फ्रैक्शंस, जब डिनोमिनेटर्स सेम है तो लाइक फ्रैक्शन. सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है. अब ये यहाँ पे ये हमें सोचना है कि ये इस चीज़ का फ़ायदा क्या है, हमें लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस पढ़ने क्यों है.
लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन से हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। अनलाइक और लाइक फ्रैक्शन से ही हम दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे। कंपेयर मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूंगा कि वन बड़ा है कि टू बड़ा है, तो आप इमीडिएटली बोलोगे कि टू इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, क्योंकि आपको पता है। लेकिन जब हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, मैं अगर आपको बताऊं सॉरी वन बाई टू बड़ा है या टू बाई फोर बड़ा है, ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर हमें कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे। ये कंपेरिजन हमें किस चीज़ से होता है, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन से। तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन अगर हमें पता होंगे तो ही हम बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन क्या है, बड़ा है या छोटा है। तो कंपेरिजन वही होता है, एक दूसरे के साथ दो फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं। अब अगर हमें यह पता लगाना है तो हम पहले सिंपल एग्जाम्पल लेंगे लाइक फ्रैक्शंस की, ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस की। अगर हमारे पास दो लाइक फ्रैक्शंस है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वन बाई टू, थ्री बाई टू, इन दोनों को कंपेयर करना है, इनमें से बड़ा कौन है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, हम ऊपर वाली क्वांटिटीज को देखते हैं, इनमें से कौन बड़ा है, वन बड़ा है कि थ्री। इनको तो हम बिल्कुल फिलहाल अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि सेम है ना, इनको अवॉइड करके देखते हैं वन बड़ा है थ्री। तो हम फिर कह सकते हैं, अगर चूंकि थ्री बड़ा है तो हम कहेंगे वन बाई टू इज लेस देन थ्री बाई टू। सिंपल है लाइक फ्रैक्शंस के लिए, बहुत सिंपल है। लेकिन अब अगर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस है, उसमें हमें जो है कंपेयर करना है, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस की कोई भी एग्जांपल दे दो आप, फॉर एग्जांपल वन बाई टू एंड थ्री बाई फोर, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो हम इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे, देखो अभी डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो कंपेरिजन कैसा होगा। इसमें सिंपल है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। वो कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारा वन बाई टू है, इसको इस फोर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वन बाई टू को इस फोर से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, वो आ गया हमारा फोर बाई फोर, फोर वन ज़ार फोर, फोर टू ज़ार एट। तो हमारा जो वन बाई टू है अब क्या बन गया, फोर बाई एट। सिमिलरली हम क्या करेंगे, थ्री बाई फोर लेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, ठीक है, ऊपर भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा थ्री, थ्री टू ज़ार सिक्स, फोर टू ज़ार एट, ठीक है। अब हमें ये दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है, क्या फोर बाई एट और सिक्स बाई एट में से कौन बड़ा है। देखो अब हमारा डिनोमिनेटर सेम आ गया, अब हम बता सकते हैं डिनोमिनेटर को अवॉइड करो दो सेकेंड के लिए, और देखो फोर बड़ा है कि सिक्स, तो सिक्स बड़ा है तो हम कहेंगे फोर बाई एट इज लेस देन सिक्स बाई एट। तो हमने कंपेयर कर दिया, कैसे कंपेयर कर दिया, पहले हमने जो है डिनोमिनेटर्स को इक्वेट कर दिया। इक्वेट कैसे कर दिया, इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, इसके डिनोमिनेटर से इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा मेथड इसमें यह है कि हम एलसीएम निकालते हैं, वो भी कर सकते हैं, एलसीएम निकाल के फिर उसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों क्वान्टिटीज़ को। तो फिर जो हमारा है, हमारा फ्रैक्शन जो है, हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस का यही मकसद है कि हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कर पाएंगे। सो विद दिस आई एंड टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।